राजनीति के जादूगर कहलाते हैं, तो वो देखने के लिए आया तो उनका तो दिखाएगा कोई, कहते वो करते हैं, हमारी करने करने उनका नहीं है। बवाई के अंदर जो वो कौन सी चीजा को लोकार्पण बना करेगा? एक तो सबसे बड़ी वो बवाई लोगों ने याद दिए कि पूरा इको का इंडस्ट्री एरिया बनना बड़ी बात है, खेती में जो सामग्री घटती है क्या मिलो, सब कुछ ही मिल गो, सब कुछ मिल गो और माई बाप भी होगा के। राम राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहा हूँ जलको झुंझुनू पे खड़ा हूँ। झुंझुनू के खेतरी तहसील के अंदर बवाई ग्राम पंचायत के अंदर और उरा जो वो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जगह पे अभी उरा आया ही और कुछ एक चीज़ों को लोकार्पण पे उरा करेंगे। पहले आप पब्लिक से जाने की कोशिश कराँगा कि वे उरा गहलोत जी देखने आया ही या फिर लोकार्पण देखने के लिए आया ही या फिर के घोषणा जगह वे खेतरी या फिर आप बात करा कि बवाई के लिए कड़की पे जाऊँगा, तो वीडियो शानदार होने वाला है, शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना क्या क्या के लिए आया उरा। मैं CM साहब को देख और इनका स्पीच सुनने के लिए आया था क्योंकि ये राजनीति के जादूगर कहलाते हैं, तो वो देखने के लिए आया था। तो जादू दिखाया क्या कोई? नहीं, जादू वादू नहीं दिखाया, लेकिन जादूगर हैं इसीलिए पब्लिक यहाँ आई है देखने के लिए। नहीं कोई तारा भाई जाए इतने दिन थे जादूगर सुन रहा कि आज से आया हो देखियो क्या लागे धन के जादूगर लगे। नहीं बस लोगों ने समझावो को तरीको और आँख की कुछ यानी कि चीज अच्छी जी की लोगों ने यह लागे छे कि कुछ ना कुछ करा ला नहीं चीज। हां बिल्कुल बिल्कुल जुगो सस्पेंस में बिल्कुल रखी। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। नाम बता रहा हूं श्याम जी। कड़ेगा श्याम जी मैदान राजीवपुरा उदयपुर वार्ड तहसील। उदयपुर वार्ड तहसील का मैंने तो कि अभी क्या के लिए आया पूरा और गहलोत जी का भाषण सुनवाया। भाषण सुनना है ये क्या के लिए आए गहलोत जी यहां मेरा इतना है ये आपने दूध डेयरी और रिको ये प्रोजेक्ट अच्छा एक उद्घाटन करवा लिए और कांग्रेस को तो उसका जत्रों से जत्रों ज्यादा सपोर्ट करे सपोर्ट करें पूरे गहलोत जी के लिए आया। हाँ भाषण सुनना आया फिर के देगी जहाँ खेतरी बीच बीच करवाया हो देर ही जाएगा क्यों ना क्यों के मिलो सब कुछ ही मिल गो सब कुछ मिल गो और माई बाप भी होगा के। वाह सब कुछ मिल गो खेतरी सब कुछ मिल गो। हाँ जी हाँ जी राम राम जी तेरे बताओ कुछ युवा पीढ़ी भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो थारा जलका जुनू को बहुत बहुत धन्यवाद। तेज है महंगाई रेत कैंप चल रहे हैं जो गहलोत जी के द्वारा देखो 10 की योजना ही प्रॉपर आवाज दिखाई है आपको प्रॉपर दिखाई ओपीएस है जकी को भी है तो लोग तमाम लोग हैं जगह गहलोत जी सरकार से संतुष्ट है इसलिए गहलोत जी को उत्साह वर्धन कर लिया। एक तो सबसे बड़ी वो बवाई लोगों ने याद दिए कि रिको जो आने वाला 10-20 साल के मायने बहुत से लोगों की बेरोजगारी दूर करेगा। एक छोटा सा गांव में एक कन्या महाविद्यालय है एक छोटा सा गांव में दूध डेयरी जो आसपास का 15-20 किलोमीटर का लोगों ने एक रोजगार प्रदान करेगी इसलिए सब दूर दराज से लोग गहलोत जी को उत्साह वर्धन करने के लिए लाखों की संख्या में लोग बता रहे हैं। हाँ साहब एक थानू भी है। अच्छा इतनी चीज मिल गई अब कोई कमी रहेगी कोई? राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जननायक के नेतृत्व में हर घर घर में राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं जा रही है जिसके कारण ये लोग इतनी भीड़ माँ बाप बुजुर्ग यहाँ पे पहुँच रहे हैं गहलोत जी को सुनने के लिए। बढ़िया खुश होकर बिल्कुल खुश हैं औद्योगिक एरिया बन रहा है स्थानीय लोगों को खूब रोजगार मिलेगा कम से कम 25-30 हज़ार आदमी को रोजगार यहाँ मिलेगा। बिल्कुल दूर है किसी की पब्लिक है सबको वहाँ के बता रहे थे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम बता रहा हूँ? चरण सिंह। आज क्या क्या को लोकार्पण करे है के मिलेगा खेती में? आज हमारे 5 साल से जो भी काम विकास कार्य चल रहे थे उसमें पूरे लोकार्पण हुआ है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अच्छी अच्छी स्कीम निकाली है। बवाई नाज के देखी गए बवाई को हमारे यहाँ थाना दे दिया तहसील दे दी और दूध डेयरी प्लांट दिया है गर्ल्स कॉलेज काफी चीजें दी रूट ली थी तो सरकार ने बवाई वाला। हाँ आज अच्छी तरह लूट मचा के लिया है ले लियो से क्यों दे दियो मान से बिल्कुल 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 तो और देना कोई साबित बिल्कुल बना और बवाई की जगह पब्लिक है खास तौर पर बिल्कुल खुश है कि उरे जो को कन्या महाविद्यालय की बात करें फिर आप थाने की बात करा या फिर इको इंडस्ट्री एरिया की बात करा उरे जो को रोजगार है वो खास करके खेती के जो को युवा है बिन मिलनाड़ो है पब्लिक बहुत ज्यादा खुश है। गहलोत जी को भाषण भी थाने में सुनाऊंगा तो वीडियो जो को वो शेयर कर देना है लास्ट तक देखना। हमने कह दिया एमएलएस को तुम लोग धन्यवाद धन्यवाद बैठो बैठो। मैंने कहा आप दिगंबर अपनी सेवा कर रहे हैं जैसे मंदिर है पानी के भी बिजली के भी उच्च शिक्षा के भी जहाँ भी रहे उन्होंने अपना नाम कमाया के नाम उसे किया। मुझे याद है कर्नल बेस्ता जी
अब तो अमल बिजने रहे हैं या तो जितने आनंद किए उन्होंने जमाने के अंदर, चाहे पटरी में बैठे हों या पांच नजर में नीचे बैठे हों कहीं बैठे हों, हमने जितेंद्र जी को बुला करके उनके कैंपों में भेजा जहाँ आंदोलनकारी बैठे थे वहाँ भेजा और हर बार हमने सफलता प्राप्त करी है शांति प्रेम भाईचारा से समझौता करके। कहा तो बीजेपी राज में फायदी हो गई, बहुत से गुजर मारे गए थे, बहुत से गुजर मारे गए, किसे कहते बहुत से गुजर मारना। हमारे राज में मरने की बात छोड़ो, फरी की बात छोड़ो, हमने जाति चार तक नहीं किया, जाति चार तक नहीं किया तो हमारे यहाँ तो हम कहते वो करते हैं, हमारी कहने करने में अंतर नहीं है। बीजेपी की अभी सरदार साहब बता देते आपको, अद्वित जी ने बताया, वो बात झूठे बातें करते हैं, उनके चाल चाहिए तो चेहरा जो पहले बहुत गर्व करते थे उसके ऊपर अब चौपट हो गया, सबके सामने आ चुका देश के लिए, कितने पहले करप्शन हो रहा देश के अंदर, कहाँ चाल रही है सबको मालूम। राजस्थान में ये रिपोर्ट आक्रोश रैली निकाली इन्होंने, अरे आक्रोश रैली आक्रोश किस बात का हो, राजस्थान के लोग बहुत ही अभी महसूस करते हैं महंगाई के जमाने में इतने बड़ा काम सरकार कर रही है। पानी की योजनाएं अभी आपका 955 दिए डॉक्टर साहब ने, अभी कई 350 की योजना और चल रही है, करोड़ की देखिए हमें जल निर्मिशन घर घर नल पहुंचेगा आपको जो है वो लोग 10% पैसा जो गांव में इकट्ठा करना था मैंने घोषणा करी बजट के अंदर, वो पैसा मैं दूंगा, गांव और हम नहीं देंगे पैसा इस प्रकार मैंने कहा। माध्यम का आपके यहाँ चार तो दे दीजिए इस तरह की बात है, वो भी काम करीब करीब पूरा हो गया है, अभी लोकार्पण होगा उसका। विको का जो है मतलब ये विको का 150 एकड़ जमीन लगभग वो अलॉटमेंट हो गया आपके यहाँ, पूरा विको का इंडस्ट्रीरिया बनना बड़ी बात है, खेती में जो सांबा की फैक्ट्री है उसके बाद में बड़ी फैक्ट्री कोई आई नहीं है, अब रिको का क्षेत्र बन रहा है आपके यहाँ, अभी तो 150 हेक्टेयर जमीन लिए गई है, फर्स्ट फेज में 46 हेक्टेयर में 184 प्लॉट काटे जाएंगे, फिर 50 करोड़ में खर्च करेंगे। वहाँ अब लोग आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने MSME कानून बना दिया है, राजस्थान कल आज देश के अंदर MSME कानून बन गया और छोटी छोटी कहीं लगाओ 5 साल तक आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं किस काम की, ना बिजली ना पानी ना दर जानवर जरूरी, ये पानी रोकी उन्होंने 5 साल होगी और कटना के लिए 38,000 के लिए पानी बाढ़ में फिर निकल गया था, 5 साल बर्बाद कर दिए उन्होंने सरकार बदल की, इसलिए वसुंधरा सरकार आ गई, मोदी जी आ गए, आज 38,000 करोड़ की रिफाइनरी अब हो गई, 72,000 करोड़ की हो गई है, आप तो समझदार लोग बैठे हुए हो, आप अकेले आप 34,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगेंगे खर्च होंगे, अगर टाइम पे रिफाइनरी बना देते आप थोड़ा से शुरू हो जाता।